Hello everyone, in this video I will tell you some important points about poetry. So let's start. First of all, you must know that what is poetry. Poetry is a collection of words that expresses an emotion or ideas. It is a form of writing that uses not only words but also forms, patterns of sound, figurative language, etc. to convey the message. पोएट्री एक वर्ड्स का कलेक्शन है जो एक इमोशन और आइडियाज को एक्सप्रेस करता है. ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ राइटिंग है जिसमें सिर्फ वर्ड्स नहीं होते हैं लेकिन फॉर्म्स ऑफ साउंड पैटर्न्स भी होते हैं. फिगरेटिव लैंग्वेज होती है मैसेज को कन्वे करने के लिए. सो यहाँ पर फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पोएट्री के. दो फर्स्ट इज राइमिंग वर्ड्स, सेकेंड रिदम, थर्ड इज फिगरेटिव लैंग्वेज, फोर्थ इज शेप एंड फिफ्थ इज मूड. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन in detail all these points. So first is rhyming words. As you all know that rhyming words सबसे important feature है poetry का. Without rhyming word poems बहुत rhyming words हमेशा poem में होते हैं लेकिन फिर भी ऐसा होता है some poems use rhyming words to create a certain effect. क्या करने के लिए? एक effect create करने के लिए rhyming words use किए जाते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हर poem में rhyming words हो. Not all poems are rhyming. तो जिस पोएम में राइमिंग वर्ड्स नहीं होते हैं द पोएम दैट डज नॉट राइम इज कॉल्ड फ्री वर्स पोएट्री. तो ऐसी पोएट्री को क्या कहा जाता है जिसमें राइमिंग वर्ड्स नहीं होते हैं, जिसमें राइम्स नहीं होती हैं, वो होती है फ्री वर्स पोएट्री. नेक्स्ट, रिदम या म्यूजिकल इफेक्ट. समटाइम्स पोएट यूज रिपीटेशन ऑफ साउंड्स और पैटर्न्स टू क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट इन देयर पोएम्स. पोएट क्या करते हैं, साउंड की रिपीटेशन पैटर्न्स को रिपीट करते हैं ताकि एक म्यूजिकल इफेक्ट आए उनकी पोएम्स में. और रिदम कैसे क्रिएट किया जाता है, क्या यूज करने से? बाय यूजिंग सेम नंबर ऑफ वर्ड्स. सेम नंबर ऑफ वर्ड यूज करने से हर लाइन में पोएम के. तो रिदम होती है पोएट्री में. एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज फिगरेटिव लैंग्वेज. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पोएट्री का. इट इज ऑफन फाउंड इन पोएट्री. फिगरेटिव लैंग्वेज मोस्टली पोएट्री में फाउंड होती है. दे आर मेनली, इसमें मेनली टू पॉइंट होते हैं, सिमिलीज एंड पर्सोनिफिकेशन. तो सिमिलीज क्या होता है, कंपेयरिंग टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज. जब दो चीजों को कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग लाइक और एज. फॉर एग्जाम्पल माई स्कूल इज लाइक अ होम अवे फ्रॉम स्कूल. यहाँ पर स्कूल को होम से कंपेयर कर दिया है तो यहाँ पर सिमिलीज हुई है. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि इट मीन्स गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू अ नॉन लिविंग थिंग. जब नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए जाते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है. और मोस्टली ये पोएट्री में होती है. फॉर एग्जाम्पल द ऑटम लीव्स डांस अक्रॉस द स्ट्रीट. जैसे ऑटम लीव्स को कंपेयर कर दिया ह्यूमन से, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे दिया उसे. इट इज डांसिंग अक्रॉस द स्ट्रीट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, शेप. अ बुक ऑफ पोएम्स लुक डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर नॉवल. पोएम की जो बुक्स होती हैं वो एक रेगुलर नॉवल से बिल्कुल अलग होती हैं. और पोएम्स बिल्कुल स्टैंजा में लिखी जाती हैं. स्टैंजास क्या होते हैं, स्टैंजास आर ग्रुप ऑफ लाइन्स. स्टैंजा और ग्रुप ऑफ लाइन्स लाइन के ग्रुप होते हैं जो पोएम में होते हैं. एंड वो सिमिलर इन राइम, रिदम और स्टाइल होते हैं. और स्टैंजा जिस तरह से किसी भी जैसे पैराग्राफ्स होते हैं किसी भी कंपोजिशन में, किसी लेसन में, उसी तरह से पोएम्स में स्टैंजा होते हैं. और वो सेम राइम और रिदम से फुल होते हैं. एंड उनके बीच में एक ब्रेक भी होता है. जैसे सम पोएम्स आर ऑफ टू स्टैंजास, सम आर ऑफ थ्री स्टैंजास, सम आर ऑफ फोर स्टैंजास. इस तरह से अलग अलग स्टैंजास की पोएम्स होती हैं. नाउ लास्ट पॉइंट इज मूड. पोएम का भी एक मूड होता है. द मूड ऑफ द पोएम इज द फीलिंग दैट इट हैज. मूड मतलब होता है पोएम की कोई फीलिंग. जैसे कोई पोएम सैड होती है, कोई हैप्पी होती है, सैड या ग्लूमी होती है, कोई ह्यूमरस टाइप की, कॉमेडी टाइप की होती है. तो ये भी एक मूड डिस्क्राइब करता है पोएम का. तो ये जो मेन फीचर्स थे पोएट्री के, आई होप आपको अंडरस्टूड हुए होंगे. सो थैंक यू.